स्क्रीन दिख रहा है सबको, एक मिनट होल्ड करेंगे इसका। स्क्रीन में एक मिनट फिर शेयर कर रहे हैं। अभी दिख रहा है स्क्रीन? ठीक है, हाँ कल वाला टॉपिक वापस से पढ़ स्टार्ट कर रहे हैं, कल जो लास्ट में स्टार्ट किया था ना वही स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, अभी देखिए हम सॉलिड्स में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कैसे होता है और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को कैसे बढ़ाया जाता है किसी भी सेमी कंडक्टर में। चूंकि मेटल्स है तो मेटल में तो कोई दिक्कत नहीं होता कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, उन सब चीजों को हम यहाँ पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते कैसे हैं, समझते कैसे हैं। देखिए इस जगह पे पीरियोडिक टेबल हम सबको पता है और पीरियोडिक टेबल में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है वो भी हमको पता है, क्या प्रॉपर्टीज किधर की ओर बढ़ते हैं, कौन से प्रॉपर्टीज किधर की ओर घटते हैं, वो सब हमने देखा। तो एलिमेंटल सॉलिड्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। ठीक है, एलिमेंटल सॉलिड्स को तीन कैटेगरीज में बांटा है, एक तो मेटल्स, दूसरा नॉन मेटल्स और तीसरा मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटलॉइड्स क्या होते हैं? तो मेटल्स और नॉन मेटल्स इन दोनों की प्रॉपर्टीज को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस पूरे पीरियोडिक टेबल में जो ब्लू कलर में है वो आपका मेटल्स है, जो ग्रीन में है वो नॉन मेटल्स है, और जो अब ये कौन सा कलर है, ऑरेंज कह लो पिंक कह लो नहीं कह सकते कुछ, तो पिंक का मिक्सिंग कलर कह लो। ठीक है, ये आपका जो है ये आपका मेटलॉइड्स है, तो यहाँ से लेकर के ये इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपका मेटलॉइड्स है। कोई बता सकता है इसको कौन सा कलर कहते हैं? विच कलर इज दिस? प्रिया बर्नवाल क्रीम कलर, नंदनी पिच, विक्रम पिंक लाइट पिंक, राशि पीच कलर। चलो ठीक, पीयूष डुप्लीकेट पिंक, अच्छा कोई बात नहीं प्रियांशु, हमको लगा तेरा नाम बदल गया, प्रिया हो गया तुम्हारा नाम इसीलिए।
चलिए आगे देखते हैं। मेटल्स, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स। वे मेटल्स, इसके प्रॉपर्टीज, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन क्या है, व्हाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ड्यू टू देयर फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक बॉन्ड्स। ये मेटालिक बॉन्ड्स बना सकते हैं, इस वजह से ये गुड कंडक्टर कहलाते हैं। तो मेटालिक बॉन्ड का फंडा क्या है, मेटल्स है, इसीलिए इनको मेटालिक बॉन्ड कहा जाता है। नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई आर नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी लोकलाइज्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डी लोकलाइज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मतलब इसमें नॉन मेटल्स में फ्री घूमने लायक इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसमें ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बंधे रहते हैं अपने ही शेल्स में, दूसरे जगह इधर से उधर ट्रेवल नहीं कर पाते। सिलिकॉन इज बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन नॉन मेटल, बट नॉट एज एफिशियंट एज मेटल। ठीक है, सिलिकॉन जो है ये एक मेटलॉइड्स के रूप में आता है और मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को रखता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे कि ये ऐसा क्यों करता है, वो सब देखेंगे थ्योरी में। दिस वेरिएशन इन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। ठीक है, इसे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। बैंड थ्योरी जो है ये आपको बोर्ड्स में पूछता है। ठीक है, बैंड थ्योरी एक्सप्लेन करने के लिए पूछेगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। नेक्स्ट है मेटलॉइड्स, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सेम क्वेश्चन वापस से। दे आर नाइदर मलिएबल नॉर डक्टाइल बट आर ब्रिटल। एग्जाम्पल सिलिकॉन। सिलिकॉन इज बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन नॉन मेटल बट नॉट एज एफिशियंट एज मेटल। देखिए, सभी पॉइंट्स को पढ़ते चले जाइए। ठीक, हम जो थ्योरी पढ़ेंगे उसमें सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। सिलिकॉन एक्ट्स एज सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर कहने का मतलब है ना ही प्योर ये कंडक्टर है और ना ही प्योर ये इंसुलेटर है। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में होता है। दिस वेरिएशन इन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो चलिए हम बैंड थ्योरी देखते हैं, इतना देर से बैंड थ्योरी आ रहा है, इसी को अब देखा जाए। ठीक, एलिमेंटल सॉलिड्स आर डिवाइडेड इन टू डैश टाइप्स। एलिमेंटल सॉलिड्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? थ्री टाइप्स। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोशन ऑफ आयंस, फ्लो ऑफ करंट,
ठीक है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पार्ट टू। अब देखिए यहाँ पे हम किसी भी मेटल में या किसी भी कंडक्टर में जो हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं वो उस इलेक्ट्रॉन्स के वजह से देखते हैं जो मूवेबल है, जो आराम से इधर से उधर ट्रैवल कर सकता है। तो ट्रैवल करने के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम्स में, वो हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो एटम के बाहरी हिस्से में पाए जाते हैं और जो एक्साइट होने पर, हीटेड होने पर अपने एक सेल से दूसरे सेल में जंप करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा कोई एटम है, मतलब इसका न्यूक्लियस, ये इसका एक सेल, ये इसका दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो ये इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलेगा तो ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की ओर जंप कर सकता है। ठीक, तो जंप कौन करेगा, जब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तब जंप करेगा। ठीक है, अगर हमको अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स, कोर इलेक्ट्रॉन्स को जंप कराना है तो एनर्जी बहुत ज्यादा देना पड़ता है। तो किसी भी कंडक्टर में वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही होता है जो इलेक्ट्रिक या फिर हीट हीट को इधर से उधर ट्रैवल कराता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इन द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय मेटल्स डिपेंड्स अपॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबिलिटी, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है इसके ऊपर कंडक्शन डिपेंड करता है। नेक्स्ट है वैलेंस बैंड। अभी देखिए जिस सेल में, जिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, और जो उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है उनको कहा जाता है वैलेंसी। तो उस सेल को हम कहते हैं वैलेंस बैंड। ठीक, अभी यहाँ जो बैंड है ये बैंड बेसिकली मेटल्स के केस में यूज किया जाता है। जो हम नॉर्मली वैलेंस शेल कहते हैं वो यहाँ पे वैलेंस बैंड कहलाता है। बैंड वर्ड इज जनरली यूज्ड फॉर द मेटल्स। ठीक है, यूज फॉर तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल्स, मेटल एटम्स फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विच आर सो क्लोज इन एनर्जी एज टू फॉर्म ए बैंड कॉल्ड वैलेंस बैंड। ठीक है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जब ओवरलैप करते हैं, ठीक है, ओवरलैप कर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, तो वैसे बैंड्स को हम क्या कहेंगे, वैलेंस बैंड कहेंगे। देन नेक्स्ट है कंडक्शन बैंड। अभी कंडक्शन बैंड क्या है, तो हम जनरली इलेक्ट्रॉन्स के जंपिंग को ही कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ने हीट एब्जॉर्ब किया या तो हीट लिया। ठीक है, तो वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम कहेंगे वैलेंस बैंड। और जब इलेक्ट्रॉन, देखिए इस ड्राइंग को देखिए, फर्स्ट सेल, ये हमारा सेकंड सेल, ये हमारा थर्ड सेल, ये हमारा फोर्थ सेल है। तो मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, आपने क्या किया, इसको हीट सप्लाई किया और उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जंप करके चला आया यहाँ पे। तो इस सेल को हम कहते हैं वैलेंस बैंड और इस वाले सेल को हम कहेंगे कंडक्शन बैंड, CB। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड क्या है, बैंड इज पार्शियली फिल्ड और इट ओवरलैप्स विद हायर एनर्जी, अनऑक्यूपाइड बैंड इज कॉल्ड, एक मिनट, ए बैंड इज पार्शियली फिल्ड और इट ओवरलैप्स विद हायर एनर्जी, अनऑक्यूपाइड बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। जब एक इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस सेल से या वैलेंस बैंड से
ट्रैवल करके अपने हायर एनर्जी सेल में जाता है या हायर अनफिल्ड एनर्जी सेल में जाता है, तो उस सेल को हम यहाँ पे कंडक्शन बैंड कहते हैं। तो कंडक्शन बैंड का भी सेम फंडा है कि जब हम मेटल्स के केस में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड यूज करते हैं। देखिए अभी क्या है, कैन यू रिप्रेजेंट डायग्रामेटिकली अबाउट मेटालिक कंडक्शन फ्रॉम अबव थ्योरी पॉइंट्स? ठीक है, तो आपको रिप्रेजेंट नहीं करना है, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ड्राइंग। ठीक से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, वापस से दिखा रहा हूँ, ढंग से ऑब्जर्व कीजिएगा। रेड कलर और ऊपर का जगह खाली, फिर रेड कलर और ऊपर का जो खाली जगह था वो थोड़ा सा ओवरलैप किया है। ठीक, तो फर्स्ट वाला जो है ये हमारा पार्शियली फिल्ड बैंड है और दूसरा हमारा ओवरलैपिंग बैंड है। तो ओवरलैपिंग बैंड का फॉर्म होता है जब दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तब होता है। रेड वाला हमारा वैलेंस बैंड और जो ये पोर्शन है इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग ऑफ बैंड्स। तो यहाँ पे बैंड्स कहा जा रहा है, ठीक है, इसको हम जनरली क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टर्म्स में, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सॉलिड्स तो सॉलिड्स के टर्म में हम इसको बैंड यूज करते हैं। अब ये जो ओवरलैपिंग का जो एरिया है इस एरिया को हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा वो मेटल में उतना ज्यादा कंडक्शन होगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए वायर्स, जो हमारे घर में वायरिंग होता है उस वायरिंग को देखिए, बहुत सारे घरों में अलग अलग टाइप के वायर्स यूज होते हैं, तो जितना अच्छा हमारा वहां पे ओवरलैपिंग दिखता है उस वायर के कैपेसिटी में उसे हम यहाँ पे कंडक्शन बैंड कहेंगे। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग एक्सप्लेन्स द कंडक्टिविटी ऑफ एनी मेटल्स। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक्सटेंट्स ऑफ ओवरलैपिंग एक्सप्लेन्स द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं, हम लोगों ने अभी तक केमिकल बॉन्डिंग में क्या पढ़ा था कि एक एटम का ऑर्बिटल है वो आता है दूसरे एटम के ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है। ठीक है, तो ओवरलैप का जो ऑर्बिटल का हम बात करते हैं ना, वो बात करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के केस में। जब हम सॉलिड्स का पढ़ाई करते हैं, देखो केमिस्ट्री इतना वास्ट है, मतलब वास्ट कहने का मतलब है कि इतना वास्ट है उसका हम सोच भी नहीं सकते। आप जितना चैप्टर पढ़ते हो धीरे धीरे यही चैप्टर अलग अलग ब्रांचेस में बदल जाते हैं। जैसे अभी मैं आपको सॉलिड स्टेट पढ़ा रहा हूँ तो सॉलिड स्टेट का एक अलग ब्रांच ही होता है। ठीक, इसी चैप्टर में हम सॉल्यूशंस पढ़ेंगे उसका एक अलग ब्रांच देखते हैं। ठीक है, फिर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे उसका एक अलग ब्रांच होता है। तो सॉलिड्स के केस में जब हम ओवरलैपिंग की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक ऑर्बिटल है, और ये एक ऑर्बिटल है, ये दोनों ओवरलैपिंग करता है, ये तो हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा है कि ये ओवरलैप करके हमको मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करके दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी वही ओवरलैप है, ये जो मेटल है यहाँ पे भी वही ओवरलैपिंग है। ठीक है, लेकिन सॉलिड्स के केस में हम क्या कहते हैं, इसको बैंड कहते हैं। ठीक, बैंड कहने का मतलब कैसा है, एक चौड़ा पट्टी के जैसा हमको दिखता है यहाँ पे, वैसा पट्टी जैसा हम अपने हाथों में पहनते हैं फ्रेंडशिप बैंड वगैरह बोल के, तो उस टाइप का ये पट्टी के जैसा दिखता है और ये पट्टी ही रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन या हीट कंडक्शन के लिए। ठीक है ऋषिकेश, क्लियर है अभी थोड़ा बहुत? ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट है हमारा इनर शेल्स। ठीक है, इस इनर शेल को हम क्या कहते हैं, जनरली कोर इलेक्ट्रॉन्स या फिर कोर शेल।
इलेक्ट्रॉन शेल। ठीक है, हम कहाँ यूज करते थे ये वर्ड, तो अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में, चाहे तो अपने केमिकल बॉन्डिंग में हमने यूज किया है। उसके बाद है वैलेंस बॉन्ड, जिसको क्या कहेंगे, वैलेंस शेल। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है आपको कि जब आप एग्जाम में लिखोगे तो यहाँ पे वैलेंस शेल मत लिख देना। ठीक, ये मैं आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ उस चीज को। दिस टर्म इज ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन एंड should not be written in exam। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं आपको। ठीक, नेक्स्ट देखिए, दिस इज हाईएस्ट एनर्जी लेवल। जो हमारा वैलेंस बैंड है, इसमें एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि हम इसको हल्का सा एनर्जी देंगे, ये इसका ये अपना इलेक्ट्रॉन फट से अपने हाईएर एनर्जी लेवल पे भेज देगा, इसीलिए इसको कहा जाता है हाईएस्ट एनर्जी लेवल्स। ठीक, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन, तो मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स। In some metals, at room temperature, some of the valence electrons can leave the valence band. ठीक है, normally room temperature क्या होता है, कुछ कुछ metals ऐसे हैं जो room temperature पे ही अपने electron, अपने घर को छोड़ के निकल जाते हैं, मतलब अपना जो valence band है वहां से electron निकल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के लगभग 27 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस तक ये इलेक्ट्रॉन का जंपिंग हमको देखने को मिलता है। तो इस जगह से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर की ओर जंप करता है। बाहर की ओर जंप करेंगे तो कोई बता सकता है कहाँ जंप करेंगे? आप प्रियांशु दिखा देंगे अभी। ठीक है ऋषिकेश, मुनमुन ठीक है, कंडक्शन बैंड। ठीक है, जब जंप कर दूसरे एटम से सेल में, नहीं जया, दूसरे एटम्स के सेल में नहीं। मान लीजिए आप अगर कॉपर के वायर यूज कर रहे हैं, जैसे देखो घर में हमारा जो वायरिंग है, आप उसका परफेक्ट एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो घर का वायरिंग क्या क्या होता है, कॉपर के वायर से होता है, ठीक है, देन एल्यूमिनियम वायर से होता है, उसके बाद और कौन कौन से तार आपने देखा है, कहीं कहीं प्लैटिनम वायर भी यूज होता है। आपके घर में कौन सा वायर का इलेक्ट्रिकल है, गोल्ड? हाँ, गोल्ड वायर भी यूज करते हैं, लेकिन हर जगह नहीं यूज करते मनु। ठीक है, पापा को बोलना, उसका पिटाई पड़ेगा। सोने का तार लगाने का मतलब है कि घर जो चोर आएगा सबसे पहले तार उखाड़ के लेके जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जंप करेंगे, तो जंप करके कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। ठीक है, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये वैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री होते हैं मूव करने के लिए एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट इन कंडक्टर, हेंस दे आर कॉल्ड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसीलिए इन्हें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। अब देखिए यहां पे ड्राइंग देखिए, द एरोज शो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे जितने भी एरोज दिखाए गए हैं इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को दिखाया गया है। अब ये जो ड्राइंग है ये आपका एक बैटरी का ड्राइंग है, जो नॉर्मल बैटरी होता है हमारे टॉर्च में या हमारे रिस्ट वॉच में, चाहे मोबाइल कह लीजिए, तो ये उसका है। ठीक है, रेड वाला जो लाइन है ये हमको यहाँ पे
वायरिंग कनेक्शन आप कह सकते हो कि वायर्ड अगर हम जोड़ दें, तार जोड़ दें, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इस ब्लैक वाले जगह से बाहर निकलेगा, एक सेकेंड, इस ब्लैक वाले पोर्शन से बाहर निकलेगा और उसके बाद ये इधर से होते हुए वापस से इधर की ओर ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो ये जनरल प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का। दिस इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड इज आइदर एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड। कंडक्शन बैंड या तो खाली हो सकता है या फिर पूरा का पूरा भरा हो सकता है। अब देखिए, इन दोनों में एनर्जी गैप होता है जिसे हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो ये वो एनर्जी है जिसे इलेक्ट्रॉन्स को पार करना पड़ता है ताकि इलेक्ट्रॉन्स अपने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो कर सके। अभी एनर्जी जितना ज्यादा होगा कंडक्शन उतना कम होगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस या फिर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए लिखा है कि एनर्जी गैप जितना ज्यादा आपका कंडक्शन उतना कम, एनर्जी गैप जितना कम कंडक्शन उतना ज्यादा होता है। For an electron to transfer from valence band to conduction band, some external energy is required, which is equal to forbidden energy gap. जब हमें electrons को transfer करना है इस valence band से conduction band में, तो ठीक है, जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो हमें एनर्जी सप्लाई करना होता है। ठीक है, वो एनर्जी किसके बराबर होना चाहिए, तो इस फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर, इज इक्वल टू सप्लाइड एनर्जी। ठीक है, ये वो एनर्जी है जो हम देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को जंप कराने के लिए। तो मैं नॉर्मल वापस अपने पुराने कॉन्सेप्ट हम चले आते हैं। मान लीजिए ये एटम है, तो एटम का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर हमारा सेल्स। अब हम क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को अगर जंप कराना हो तो इस इलेक्ट्रॉन को हम हीट सप्लाई करते हैं, हीट देते हैं, और हीट देने से क्या होगा, मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सेल से दूसरे सेल की ओर जंप करेगा, मतलब लोअर एनर्जी सेल से चला जाएगा हायर एनर्जी सेल पे। तो यहाँ पे इस मेटल में भी फॉरबिडन एनर्जी, ध्यान से सुनिए, फॉरबिडन एनर्जी वो एनर्जी गैप होता है जो हम सप्लाई करेंगे अगर किसी मेटल को, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को जंप कराएगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, और तब जाके मुझे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखने को मिलेगा। देन डिपेंडिंग ऑन दीज एनर्जी गैप्स जनरली देयर कैन बी थ्री टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, इन एनर्जी गैप के ऊपर हम सॉलिड्स को तीन तरीके से बांटते हैं, एक तो कंडक्टर्स, दूसरा सेमीकंडक्टर्स और तीसरा इंसुलेटर्स। एनर्जी गैप, तो एक ऐसा जगह जहां एनर्जी गैप हमारा जीरो है, ऐसा जगह जहां एनर्जी गैप बहुत ही ज्यादा है, और ऐसा जगह जहां एनर्जी गैप जो है
वो कम होता है, ना ही जीरो ना ही बहुत ज्यादा, वो बहुत कम होता है। ठीक, तो जहां पे एनर्जी गैप जीरो होता है उसे हम कहते हैं कंडक्टर, जहां पे एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है उसे हम कहते हैं इंसुलेटर, और जहां एनर्जी गैप मच स्मॉलर बहुत कम होता है उसे हम कहते हैं सेमी कंडक्टर। चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। बैंड्स आर ऑफ डायस टाइप्स, बैंड्स कितने टाइप्स के होते हैं? क्वेश्चन नंबर टू, विच बैंड इज वैकेंट, कौन सा बैंड खाली रहता है? कौन सा बैंड खाली रहता है? जया आंसर ढंग से, क्वेश्चन ढंग से पढ़िए। अश्विनी क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। विच बैंड इज वैकेंट, हमने दो ही बैंड पढ़ा है, तो दो बैंड में से कौन सा भरा होता है, कौन सा खाली होता है? अब जितने लोग फोर्थ ऑप्शन दे रहे हैं तो एक बात बताइए, जब दो ही बैंड हमने पढ़ा है वो दो बैंड हमको यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो ऐसे ही खत्म हो गया। ऑप्शन है हमारा बी, कंडक्शन बैंड। दो बैंड ही हमने पढ़ा, एक वैलेंस बैंड एक कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड क्या है? वैलेंस शेल का वैलेंस शेल। कंडक्शन बैंड क्या है? तो हायर एनर्जी शेल। तो हायर एनर्जी सेल, यहाँ पे कंडक्शन बैंड वो बैंड है जो या तो पार्शियली भरा हो सकता है या फिर पूरा भरा, सॉरी पूरा खाली हो सकता है। बीएचआई बैंड होता है। बीएचआई क्या है ऋषिकेश? ऋषिकेश बीएचआई क्या है? बीएचआई बैंड होता है एनर्जी, क्या ऋषिकेश? नहीं समझ में आया क्या लिखा गया, दिया हुआ है वो भी बैंड है। कौन से क्वेश्चन ऋषिकेश? एनर्जी नहीं ऋषिकेश, एनर्जी गैप है। एनर्जी गैप कहने का मतलब है कि एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जो डिफरेंस होता है एनर्जी का, उसे हम एनर्जी गैप कहते हैं। जैसे देखो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े थे ना कि डेल्टा ई इज इक्वल्स टू ई टू माइनस ई वन, ठीक है? तो ये जो डेल्टा ई है, ये डेल्टा ई को हम एनर्जी गैप कहते हैं। ठीक, तो यहाँ वहां पे हम डेल्टा ई पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे हम एनर्जी गैप पढ़ेंगे। ठीक है, ये फर्क है दोनों चैप्टर्स का, है सेम चीज लेकिन नाम अलग बुलाया जाता है। चलो ठीक है, क्लास में आज यहीं स्टॉप कर रहा हूं। ठीक है, आप पढ़ेंगे, देखो नोट्स मैंने आपको दे रखा है, नोट्स आप रेफर करेंगे और टॉपिक्स को स्टडी करेंगे नोट्स से भी। नोट्स जो दिया है मैंने, आप उसका भी अपने नोट्स